देखो दूर दूर तक समुद्र, समुद्र नहीं सॉरी लेक, ये पानी की जहाज है। नहीं ले रहा हूँ अब तो मेरी है, मैंने कब्जा कर लिया इन पे। किनारा ना मिला पता नहीं, कूद के देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है बहुत गहरी होगी क्योंकि इतना सारा पानी यार, ऊपर ऊपर तो होगा नहीं, नीचे भी होगा। इतनी भयंकर भयंकर बोटें चल रही हैं, बहुत गहरा पानी होगा भाई। यार क्या मजे आ रहे हैं, लेट के तो फ्रेंड्स ये है हाउस बोट में हमारा बेडरूम, और यहाँ पर ना पूरा एक होटल जैसा फील होता है ना वैसा ही है। तो साथ में अटैच्ड वॉशरूम है, किचन है जहाँ पर हम लंच या फिर डिनर कर सकते हैं, इनसे बोल सकते हैं, यहाँ पर शेफ भी हैं जो बना के देंगे। और साथ में देखो बाहर भी ऐसे हाउस बोट हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जो बोट चली नहीं थी तो इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हमने पिया जूस, और जूस पीने के बाद में हमने ली बस वहाँ से, और बस लेकर हम निकल गए अपने होम स्टे के लिए, क्योंकि हमने रात के लिए हाउस बोट नहीं की थी। और सुबह हुई तो सुबह हमने खाया इडियप्पम। ये रह गया था बस खाना। हाँ, दिस इज इडियप्पम। ये चावल के बने होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इन्हें मटर की सब्जी या फिर इन छोलों के संग खाया जाता है। तो इन्हें हम खा रहे हैं छोलों के संग। So, let's start. Get a taste. जल्दी टेस्ट करो। थोड़े गरम है छोले। चावल का जो टेस्ट होता है वही टेस्ट आ रहा है विद फ्लेवर ऑफ नारियल। और ये छोले तो ऐसे लग रहा है जैसे चने चावल खा रहे हो। गरम है बिस्कुट में, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद में हमने ली एलाफूजा रेलवे स्टेशन से कोचू वैली रेलवे स्टेशन की जो है ट्रेन। उसके बाद में हम पहुंचे कोचू वैली, और कोचू वैली से हम लोगों ने ली बस, सिटी बस, जो कि हमें पहुंचाएगी कोवलम। कोचुवेली रेलवे स्टेशन से निकलने के तुरंत बाद ही हमें मिल गई सिटी बस। सिटी बस ने पहले हमें पहुंचाया त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम में ये था स्टेडियम जो कि मैंने आपके साथ में शो किया, और उससे थोड़ा सा आगे चलते ही कोवलम बीच है। कल हमें फिर से त्रिवंतपुरम वापस आना है, तो कोवलम में हमने जाकर सबसे पहले होटल बुक किया जो कि 50 कदमों की दूरी पर ही था। और उसके बाद में हमने वहाँ पर सब सामान अपना रखा और जल्दी से कोवलम बीच आ गए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी तो हम लोग शाम का व्यू लेना चाहते थे। और उसके बाद में हम सुबह भी जाएंगे ताकि हम जो है सनराइज व्यू भी देख सकें। लोग अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं देखो, और हमारे वाला तो हमसे 1 किलोमीटर दूर चल रहा है, बिल्कुल आगे आगे रास्ता दिखाते हुए मुझे। हम केरला में आए थे ना, हम सोच रहे थे कि ऑरेंज कोकोनट हम पियेंगे, तो फाइनली मेरी वो चाहत जो है वो पूरी हुई है और हम पीने वाले हैं ऑरेंज कोकोनट। क्या सेम? हाँ
एड साइड इज मच स्वीटर. हां नसीम लेट मी ट्राई. चाहत थी ऑरेंज कोकोनट पीने की, क्या वो सक्सेसफुल हुई? सक्सेसफुल हुई हुई हुई. अरे उसका टेस्ट तो सेम ही है. नॉट मच डिफरेंस, इट टेस्ट लाइक द सेम लाइक द ग्रीन वन. एज ही इज क्लेमिंग दैट देयर आर डिफरेंट कलर्स इन नारियल, ग्रीन एंड दिस ऑरेंज एंड ब्राउन. ब्राउन नारियल? या कोवलम बीच के बिल्कुल पास, मतलब सिर्फ एक मिनट का रास्ता. और यहाँ पर ना लाइट बहुत ज्यादा कम है, तो कृपया काम चला लीजिएगा. और आवाज भी बहुत ज्यादा तेज आ रही होगी क्योंकि ऊपर वैन चल रहा है. और यहाँ पर देखो गगन बैठा है, गगन पाठक बिल्कुल ऐसी अवस्था में बैठा है जैसे कोवलम बीच में भी नहा नहा के आया था. और कोवलम बीच यहाँ से हमारे सिर्फ एक मिनट के रास्ते पे है. और मस्त यार यहाँ का नज़ारा है. 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है ना पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो 25 किलोमीटर दूर है. पर ये कह रहा है कि यहीं पे ही रहते हैं हम, और कल हम ओला करके या फिर ऑटो करके ऊबर करके जो भी है वो चले जाएंगे. बट मेरा मानना है कि टेंपल के पास में ही एक रूम ले लिया जाए जहाँ ना रह जाए. चलो ये कह रहा भी नीचे कॉफ़ी पीने जाना है. मेरा मानना है कि कॉफ़ी पी के रात को नींद नहीं आएगी. देखते हैं क्या होता है. ड्रिंक हॉट कॉफी. सैंडविचेस खा पाऊं? तू क्या खाएगी? कुछ नहीं. कुछ बैठी रही, कॉफी पीएगी बस? हाँ कॉफी पीऊंगी बस. मेरा बिल्कुल नहीं यार, मेरा पेट पूरा फुल है. और वहाँ हमारा होटल रूम है ऊपर. देख कुछ नहीं आ रहा पानी यहाँ, देख बहुत बारिश हो रही है तेज. कोवलम बीच पे तो क्या मजा आ रहा होगा है ना.